अपनी गाड़ी को कन्वर्ट तो करवा लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस? देन गाइस जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन था कि आपने कितने पैसों में ये काम करवाया। हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई कैसे सारे, आई जस्ट होप सारे बढ़िया होगा। सो गाइस मेरे को काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के लिए। जो ऑडियंस थी हमारी जिन्होंने ये वीडियो देखी थी उनकी काफी सारी क्वारीज थी, तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपकी सारी क्वारीज को जो है सॉल्व आउट कर देगा। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने जो है सारे क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट लिस्ट बना ली, जितने भी आप लोगों ने कमेंट्स में सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे और जो सारे मेरे को आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजे थे उन सबकी मैंने लिस्ट बना ली। देखो भाई सबसे पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन आया था वो आया था कि भैया आपने अपनी गाड़ी को कन्वर्ट तो करवा ली लेकिन व्हाट अबाउट द इंश्योरेंस? तो देखो यार अगर आप अपनी गाड़ी को कन्वर्ट कराते हो लेजेंडर में और इसकी इंश्योरेंस का क्या होता है, अगर गॉड फॉरबिडन कभी भी आपकी गाड़ी अगर कहीं पे ठुक जाती है कुछ भी होता है, तो अगर किस भी प्लेस से आप अपनी गाड़ी का काम करवाते हो गाड़ी को कन्वर्ट करवाते हो वहां से उसका बिल लेके आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करा दोगे, कभी आपको फ्यूचर में क्लेम देना पड़ता है तो आपको जो नए वाले पार्ट्स आप अपनी गाड़ी में अपग्रेड कराओगे उन्हीं पार्ट्स मिलेगा क्लेम। और अगर आप चाहो तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से भी कंफर्म कर सकते हो ये चीज। देन गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का वो ये है कि भैया अगर आपको कभी रास्ते में पुलिस वगैरह रोकेगी तो आप क्या करोगे? देखो यार मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने एक लेजेंडर का लोगो ऑर्डर भी कर रखा अपनी गाड़ी के लिए, बट मैंने उस लोगों को अपनी गाड़ी में लगाया नहीं, और पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अगर आप देख रहे हो तो मैंने अभी जो ओरिजिनल लेजेंडर आते हैं उसमें यहाँ पे एक लेजेंडर का छोटा सा लोगो होता है, लेकिन मैंने नहीं लगवाया, मैंने अभी इसको सिंपली फॉर्च्यूनर लिखवा रखा है, बिकॉज जो मेरी गाड़ी की आरसी है उसके ऊपर फॉर्च्यूनर ही लिखा हुआ है। तो अगर मुझे कोई भी रोकेगा तो मतलब 99.9% चांसेस है कि कोई कुछ नहीं कह सकता, 0.1% अगर कोई भाई बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बंदा मिल गया। देन गाइस जो आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था वो आया हुआ था कि गाड़ी के टेल लाइट्स के लिए, देखो यार जो हमारी 2019 शेप वाली फॉर्च्यूनर आती है इसकी जो टेल लाइट्स आती है इसका जो स्पेस है और जो नई वाली फॉर्च्यूनर की जो टेल लाइट्स आती है उसका जो स्पेस है उसमें बहुत डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस के कारण हमारा जो नई वाली लाइट्स है वो इसके अंदर फिक्स नहीं होगी। तो अगर हमें चाहिए तो हम इसके अंदर दूसरी आफ्टर मार्केट लाइट्स लगवा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके की लाइट्स आती है। देन गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का वो था भाई गाड़ी की रूफ को लेके। देखो भाई जो ओरिजिनल लेजेंडर आती है उसकी जो गाड़ी की रूफ होती है वो मैट होती है, आप चाहो तो कन्वर्ट कराने से पहले टोयोटा में जाके पता करके आ सकते हो। कई लोगों ने कहा था कि भैया आपने अपनी गाड़ी की जो रूफ है इसको ग्लॉस क्यों नहीं करा, तो भाई यही रीजन था कि मैंने अपनी गाड़ी की जो रूफ को ग्लॉस नहीं करा, बिकॉज जो ओरिजिनल लेजेंडर आती है जो उसकी रूफ होती है वो भी बिल्कुल मैट ही होती है, वो ग्लॉस नहीं होती। चाहो तो भाई टोयोटा में जाके कन्फर्म कर लेना, उसके बाद ही अपने पैसे कहीं पे स्पेंड करना अच्छे से, जब तक आपका माइंड में सेटिस्फेक्शन है तब तक भाई बिल्कुल भी मत करवाना ये चीज। देन गाइस अब आते हैं गाड़ी के अलॉयज पे, जो कि आपका मोस्ट आस्क क्वेश्चन था कि भैया आपने अपनी गाड़ी के अलॉयज अपग्रेड नहीं कराए। देखो यार जो लेजेंडर वाले अलॉयज आते हैं मतलब ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आए, तो मेरे को कोई पॉइंट नहीं लगा उसको अपग्रेड कराने का, और भाई मोर ओवर मैं कोई इतना खास अलॉय फैन हूं नहीं, इतना ज्यादा शौक है नहीं अलॉयज चेंज करवाने का, मैंने आज तक अपनी किसी गाड़ी में भी मतलब अलॉय अपग्रेड नहीं कराए, बाकी बहुत सारी छेड़खानी कराई लेकिन अलॉय अपग्रेड नहीं कराए। तो अगर आप चाहो तो आप करवा सकते हो, मैंने अपनी गाड़ी में अलॉय अपग्रेड नहीं कराए। देन गाइस जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो गाड़ी सारी किट के प्राइस को रिलेटेड था, तो वो चलो मैं आपको गाड़ी के अंदर चलते चलते ही बात करते हैं। देन गाइस एक क्वेश्चन और आप लोग पूछ रहे थे मेरे से कि भाई आपने अपनी गाड़ी का इंटीरियर अपग्रेड नहीं करा, तो यार तो मैंने ऑलरेडी अपनी गाड़ी का जो इंटीरियर है कई लोगों ने वो मेरी शायद पुरानी वीडियो देखी नहीं होगी, मैंने ऑलरेडी अपनी पूरी गाड़ी के अंदर एमए लाइटिंग लगवा रखी है, तो मुझे लग नहीं रहा इसमें इंटीरियर के कोई अपग्रेडेशन की जरूरत है, एक बार आप देखो मैं आपको कवर कर देता हूँ। तो भाई ये जो मेरी पूरी गाड़ी का फ्रंट है कुछ ऐसा है, देखो पूरा मैंने फुल एमए लाइटिंग्स लगवा रखी है, देन पीछे भी मैंने पूरी एमए लाइटिंग लगवा रखी है इसमें, देन वहां पे भी लगवा रखी है हमने। तो आफ्टर दिस इंटीरियर में मेरे को नहीं लगता कोई अपग्रेडेशन है, अगर आपके पास है कोई पॉइंट तो प्लीज मेरे को बता देना कि भैया इसको ये चीज आप यहाँ पे अपग्रेड करा सकते हो, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट अगर मेरे को पसंद आया तो। देन गाइस जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन था कि आपने कितने पैसों में ये काम करवाया, मतलब मैंने देखा था कमेंट्स में मुझे बहुत सारे भरपूर कमेंट्स ही कमेंट्स आए हुए थे कि भाई आपने कितने पैसों में ये सारा काम करवाया, कितने पैसों में ये पूरी किट लगवाई। तो देखो यार ये जो किट है ना इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो मैं बताऊंगी मैंने इतने पैसों में ये काम करवाया। कई लोग अपना सिर्फ आगे आगे का गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं, पीछे से उसका बम्पर नहीं करवाते, कोई लोग अपनी गाड़ी की जो रूफ है उसको मैट ब्लैक नहीं करवाते, मतलब ब्लैक नहीं करवाते, वो एज इट इज छोड़ देते। तो और ये काम करने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो मैं अगर आपको बोल दूं कि भैया मैंने फलाने पैसों में करवाया तो मुझे सब कमेंट्स में आएगा कि भैया ये काम इतने मतलब कम पैसों में वापस हो रहा है, तो ऑटोमार्क से मैंने काम करवाया, मैं उसका सारा नंबर और सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
अगर आपके पास फॉर्चुनर है तो आप अपना वहाँ फोन करके उनसे पूछ लेना भैया क्या प्राइसेस हैं आपके लेजेंडर किट के, वो आपको सारी चीजें अच्छे से ब्रीफ कर देंगे। और अगर आपको कुछ उसमें चीजें लेस ऑन भी करानी है, सपोज आप सिर्फ आगे आगे का ग्रिल और लाइट्स और बम्पर वगैरह चेंज करवाना चाहते हो, पीछे की अगर आप बम्पर वगैरह नहीं चेंज करवाना चाहते तो उस चीज को आप लेस करवा दोगे तो आपके उसके पैसे भी लेस हो जाएंगे। तो भाई ये सब चीजें डिपेंड करती है, तो आप अपना जहाँ से भी काम करवाओ वो जगह का पहले देख लेना आफ्टर सेल सर्विस कैसी है उसकी, बिकॉज जहाँ से मैं करवाता हूँ वहाँ पे तो और भी काफी बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी होती है, रोल्स रॉयस वगैरह और जी वैगन वगैरह, तो आई डोंट थिंक ये फॉर्चुनर तो उसका क्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी अमेजिंग। मैंने खुद टेस्ट करा है तभी मैं अपनी सारी गाड़ियों का काम करवाता हूँ वहाँ से। बाकी गाइस अगर कई लोग मेरे को कहते हैं कि भैया टोयोटा से भी करवा सकते हो, तो यार देखो जो काम आपका टोयोटा में 4 रुपए में हो रहा है ना वो यहाँ पे हमारा 1.5 रुपए में हो रहा है, तो भाई उसका क्या फायदा बताओ। जो एक आप स्मार्ट मूव ले सकते हो, आप यही कर सकते हो कि यहाँ से काम करवाओ बाहर से, एंड भाई उसके बाद आप अपना वहाँ का बिल ले लो, बिल लेके इंश्योरेंस कंपनी में वो बिल सबमिट करा दो, एंड वो बिल सबमिट कराने के बाद आपको जब भी क्लेम लेना होगा तो आपको वही मिलेगा, बात तो वही होगी जो पैसे आप टोयोटा में दोगे उससे आधे पैसों में आपका भारी काम हो जाएगा, प्लस आप अपना बिल जमा करा दो। तो मतलब आई डोंट थिंक कि टोयोटा से ये काम कराना वर्थ है, बाकी गाइस आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर से हैरी गिरी जगह से काम करवा लो वो आपकी गाड़ी की वायरिंग वगैरह छेड़ दे और फिर आपकी गाड़ी की वारंटी बॉर्ड हो जाए तो उस चीज का भी बिल्कुल मैटर करता है। तो जहां से भी काम करवाओ पूरा देख के अच्छे से सेटिस्फाइड होकर काम करवाना, क्योंकि ये काम होते हैं बड़े काम होते हैं, इनमें छोटा मोटा लालच करा नहीं जाता। तो भाई मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि भाई जहाँ से भी काम करवाओगे बिल्कुल सोच समझ के काम करवाना। तो गाइस आई होप आपको अब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, एंड अगर आपको अपनी फॉर्चुनर को लेजेंडर में कन्वर्ट कराना है फ्यूचर में तो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आएगी। तो भाई अगर आपका और कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे को कमेंट्स में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में ही उसको रिप्लाई करने का। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाना। टिल देन गाइस गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन अदर वीडियो।